ट्रिजनर पेंडुलम के पार्ट वन में हमने बात की थी, तो ट्रिजनर ऑसिलेशन होता क्या है या ट्रिजनर पेंडुलम होता क्या है, और इसकी इक्वेशन और मोशन ये सारी हमने प्रूव कर ली थी कि ये वाली फॉर्म कैसे बनती है। आज हमने सिर्फ डिस्कस करना है हाउ टू फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन बाय ट्रिजनर ऑसिलेशन, कि इस इक्वेशन से ये मोशन ऑफ इक्वेशन जो ट्रिजनर पेंडुलम की है इससे हम ये एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करते हैं। लीनियर फॉर्म में तो हमें पता है कि वेलोसिटी क्या होती है, टाइम रेट चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन क्या होता है, डबल डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एंगुलर में भी सेम ऐसे ही होता है, जस्ट हमने क्या करना है एक्स की जगह पे थीटा लगाना होता है। कि लीनियर में वेलोसिटी क्या होती है, ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको डी थीटा बाय डी टी आ जाएगा। एंगुलर एक्सेलरेशन हमने अल्फा से रिप्रेजेंट करना होता है, डी स्केयर थीटा बाय डी टी स्केयर, डी स्केयर थीटा ओवर डी टी स्केयर तो अल्फ़ा की वैल्यू है तो इसकी जगह पे हम अल्फ़ा लगा देंगे, और हमने अल्फ़ा ही फाइंड करना है तो हम के ओवर आई थीटा को जब दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन।